सीएम नीतीश कुमार ने करीबी आरसीपी सिंह को कैसे किया घर से बेघर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नाराजगी छुपा नहीं सकते, ये तो सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से वो अभी तक नाराज है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा का एक और तीसरा टर्म उन्हें नहीं दिया। लेकिन अब नीतीश ने अपनी नाराजगी को अगले स्तर तक ले जाते हुए केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह से पटना का सरकारी आवास छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को बिहार सरकार के भवन विभाग ने 7 स्टैंड रोड स्थित आवास जो संजय गांधी के नाम से आवंटित था, जिसमें अनाधिकृत रूप से बतौर सांसद आरसीपी सिंह अब तक रहते आए हैं, उसे मुख्य सचिव के घर के तौर पर क्रमांकित कर दिया गया है। अब तक जो मुख्य सचिव का घर 7 सर्कुलर होता था वो फिलहाल नीतीश कुमार का आवास बना हुआ है। वैसे नीतीश कुमार के कब्जे में मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास एक अड़े मार्ग के साथ ही विधान परिषद सदस्यों के लिए बने आवास का बंगला भी है। हालांकि संजय गांधी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको एक और आवास 10M स्टैंड रोड भी आवंटित किया गया है। संजय गांधी नीतीश के खास माने जाते हैं, इसलिए वो सालों से अपने निजी घर में रहकर भी सरकारी आवास आवंटित कराकर नीतीश के इशारे पर उनके किसी करीबी को रहने के लिए देते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।